वनडे और टी20 में विरोधियों के छक्के छुड़ाने वाले रोहित शर्मा ने टेस्ट मैच में बतौर ओपनर अपना पहला शतक जो है वो जड़ा है। हालांकि पहले प्रैक्टिस मैच में रोहित शर्मा ओपनिंग करने उतरे तो वो शून्य पर आउट हो गए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ही टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने जमकर रन जो है वो बटोरे हैं। शुरुआत में रोहित शर्मा थोड़ा संभल कर खेले, लेकिन बाद में उन्होंने चौके छक्के की बरसात सी लगा दी। रोहित ने मैच के दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर कैगिसो रबाडा को बैकवर्ड पॉइंट पर चौका लगाते हुए खाता खोला और 29वें ओवर में चौका लगाकर अर्धशतक जो है वो पूरा किया। आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आज पहला मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है और रोहित ने यह कमाल कर दिखाया है। बतौर ओपनर टेस्ट मैच में पहली बार रोहित जो है वो खेलने उतरे और टेस्ट मैच में पहली बार ओपनिंग करते हुए रोहित ने अपने जोड़ीदार मयंक के साथ टीम इंडिया को जोरदार शुरुआत दी है। पारी के चौके से शुरुआत करने वाले रोहित ने चौके से ही 84 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी की, जबकि सेंचुरी के लिए 154 गेंदों का सामना उन्होंने किया। तो ये बड़ा कमाल रोहित शर्मा ने कर दिखाया है। भारतीय सरजमी पर बताएं तो रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा रहा है।